नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की दीदारगंज सीट से विधायक और राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर का सोमवार रात लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे। राजभर के पारिवारिक सूत्र के मुताबिक उन्हें सीने में परेशानी के बाद लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार रात करीब 8:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। सुखदेव राजभर लालगंज क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे। वह 1991 विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बने थे। वह 1993 में सपा बसपा गठबंधन की सरकार के मंत्री बने थे। वह 1996 के चुनाव में भाजपा के नरेश सिंह से पराजित हो गए थे, लेकिन बाद में उन्हें विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया था। सुखदेव राजभर 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में फिर विजयी हुए थे। वह 2007 से 2012 तक तत्कालीन मायावती सरकार में प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। लालगंज विधानसभा सीट सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद उन्होंने 2012 में दीदारगंज क्षेत्र से चुनाव लड़ा, मगर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। 2017 में वह फिर से दीदारगंज सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। मायावती, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव सरकारों में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुखदेव राजभर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि सुखदेव राजभर एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि थे और उन्हें संसदीय नियमों तथा परंपराओं की गहन जानकारी थी। सुखदेव राजभर निर्धन और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। योगी ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के लिए प्रति संवेदना व्यक्त की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर राजभर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अत्यंत दुखद, यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ राजनेता सुखदेव राजभर का निधन अपूर्णीय क्षति है। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना। दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान। सामाजिक न्याय को समर्पित आप ही का राजनीतिक जीवन सदैव प्रेरणा देता रहेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी ट्वीट कर कहा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विधायक सुखदेव राजभर के निधन का समाचार दुखद है। आप वंचित समाज के लिए समर्पित रहे, आपका जाना समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।